हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये बैग बनाएंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने दो पॉकेट बनाई है। इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। इसके साथ हमें फोम शीट चाहिए और लाइनिंग का कपड़ा भी इसी साइज का चाहिए। सबसे नीचे हम लाइनिंग वाले कपड़े को रखेंगे, उसके ऊपर फोम शीट रखेंगे, उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे और इसे हम क्विल्ट कर लेंगे। आप इसे मनचाहे डिज़ाइन में क्विल्ट कर सकते हैं। मैंने इसे क्विल्ट कर लिया है। हमें इस तरह के दो पीस चाहिए। इसी साइज का हमें लाइनिंग का भी एक पीस चाहिए। इसका हम पॉकेट बनाएंगे। अब हम बैग की कटिंग करेंगे। इसके लिए एक पीस को बीच से आधा मोड़ लीजिए। मैंने 4 इंच पर लाइन ड्रॉ की है, 4 इंच नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर से 3 इंच पर मार्क कर लीजिए, उसके बाद 2 इंच पर, 3 इंच वाले जो हमने मार्क किया था उसको इस तरह से तिरछा मिला दीजिए। बीच में 2 इंच बच गया और इधर 3 इंच, इसे भी 2 इंच डाउन जाकर हमें गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी पे इसको काट लेना है। दोनों पीस को हम इसी तरह से काट लेंगे। इस पीस में हम पॉकेट बनाएंगे। ये फ्रंट का पीस होगा, तो इसको 6 इंच का मार्क करके इसे काट लीजिए। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। जिप को कपड़े के ऊपर सीधा रख देना है और एक सिलाई चला लीजिए। इस तरह से उसके ऊपर सीधा रखकर एक सिलाई कर लेनी है। अब हम इसमें प्रेस स्टिच करेंगे। ये जो सिलाई का कपड़ा है जिसमें हमने सिलाई करी है वो जिप में आकर फंस सकती है, तो उसको नीचे रखते हुए इस तरह से हम नीचे मोड़ लेंगे और यहाँ से एक सिलाई चला देंगे जिससे बैठ जाएगा। मैंने बैठने वाली सिलाई लगा दी है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट अटैच करेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखे हमें सिलाई कर लेनी है। ये सिल चुका है। अब इसके ऊपर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। जो कपड़ा हमने पॉकेट के लिए लिया था उसे नीचे रखेंगे, उसके ऊपर इस पीस को रख दीजिए और सिलाई लगा लीजिए। मैंने अभी 3 तरफ से सिलाई चलाई है। ये पॉकेट बन गया है। आप चाहे तो ऊपर से भी इसको बंद कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बाद में सिलाई चलाऊंगी। ये पॉकेट बन गया है। अब हम बैग के हैंगर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। आप लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे और इसे बीच से फोल्ड करके दोनों तरफ सिलाई चला देंगे। बैक के स्ट्रैप्स तैयार हो गए हैं। इस पर मैंने दोनों तरफ से सिलाई चला दी है। इस स्ट्रैप्स को अंदर की तरफ रखते हुए हमें अटैच करना है। यहाँ इस तरह से रख के सिलाई चला दीजिए। बैक के दोनों पार्ट में हमें हैंगर लगा लेने हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे। अब हमें इस तरह के 2 क्विल्टेड पीस लेने हैं और एक जिप लेंगे और इसको दोनों पार्ट में अटैच करना है इस तरह से। पहले मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब जिप के दूसरे पार्ट पर
हमें दूसरा पीस रखकर स्टिच कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। सिलने के बाद हमें दोनों तरफ प्रेस स्टिच कर लेनी है। दोनों साइड ऊपर सिलाई चला लेंगे। अब इसे बैक के साथ हमें जोड़ना है। तो बैक को इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। जहाँ गोलाई है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट अटैच करना है। तो हम दोनों सीधे पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। स्ट्रैप्स को अंदर कर लेंगे और इस तरह रखते हुए हमें सिलाई चला लेनी है। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लेंगे। ये हमारे बैक का ऊपर का पार्ट तैयार हो चुका है। इसे सीधा कर लेते हैं। स्ट्रेप्स को कस के खींचेंगे तो ये पार्ट सीधा हो जाएगा। अच्छी तरह से आप इसको निकाल लीजिए। इसके बाद हमें इस पर प्रेस स्टिच करनी है। इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में। मैंने इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा ली है। ये बैठने वाली सिलाई हम इसे लगाते हैं कि बैग में फिनिशिंग अच्छी आए। अब नीचे की तरफ से बैग को हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। इसके लिए 2-2 इंच पे मार्क कर लीजिए और इसको हल्के गोल शेप में काट लीजिए। अब बस हमें एक साइड स्ट्रिप लगानी है, उसके बाद बैग तैयार हो जाएगा। तो हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे और उस किनारे तक हमें पूरा मेजरमेंट ले लेना है जहाँ पे हमने ऊपर का पार्ट जोड़ा है। वहाँ से हम इसका मेजरमेंट लेंगे और दूसरे किनारे तक हमें इसका मेजरमेंट ले लेना है। 1-2 इंच ज़्यादा ही रखेंगे। ये जो जिप वाला पार्ट है, पट्टी हमें इतनी ही चौड़ी रखनी है। जो हमने मेज़रमेंट लिया था, चौड़ाई में मैंने 1 इंच प्लस किया है और लंबाई में 2 इंच ज़्यादा लिया है। अब एक किनारे से आप इसे जोड़ना शुरू करिए। इस तरह से दोनों सीधे भाग को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा सिलाई के लिए रखेंगे 1/2 इंच। उसके बाद हम इसको इस तरह से किनारे किनारे सिलते जाएंगे बैक के एक पार्ट में। यहाँ पूरे किनारे तक हमें पहुँचना है। इसे हमने स्टिच कर लिया है। अब बैक का दूसरा पार्ट इसके साथ अटैच करेंगे। स्टेप्स को अंदर कर लीजिए और इस तरह से बैक को किनारे किनारे सिलते हुए हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम बाद में काट लेंगे। इसे भी हमने सिल लिया है। अब जहाँ पे जिप है वहाँ से ही खुला हुआ है, दोनों साइड हमें इसी तरह सिलाई कर लेनी है। दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ के सिलाई कर लेंगे। स्ट्रिप थोड़ी एक्स्ट्रा बच गई है तो उसे काट लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी और कितना सुंदर बैग तैयार हो गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो का सबसे पहले पता चले।
अगर आप अलग डिज़ाइन के बैग बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।